देखा आपने, ये है रेस्क्यू ऑपरेशन जो फाइनली 46 घंटे बाद, 2 दिन बाद पूरा हुआ है। दोस्तों, देवघर में जो ये हादसा हुआ है, रोपवे टूटने से जो ये हादसा हुआ देवघर में, वो बहुत ही ज्यादा दुखद था। 47 जाने बचाई गई हैं, हालांकि 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 तो महिला है। झारखंड हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है और अब सुनवाई होगी 26 अप्रैल से कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो ये रस्सी टूट गई। रोपवे कहीं पे भी आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो आपको रोपवे मिलेगा ही। मैं जब गया था पहली बार, हरिद्वार में बैठा था, मुझे याद है, तो चंडी देवी मनसा देवी में है रोपवे, तो मुझे डर लगा। मैंने कहा यार कहीं टूट टूट ना जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर दिन हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं भाई। देखिए, अगर आप देवघर की बात करो, ये तो खैर उस समय की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ था, काफी ज्यादा भीड़ थी। अगर आप देवघर की बात करो तो ये समझिए कि देवघर है का? देवघर तो नहीं, बात यहां पे देवघर की भी नहीं है। बेसिकली ये हादसा कहां पे हुआ है? ये हादसा हुआ है त्रिकूट पहाड़ पे। जब आप झारखंड के देवघर में जाएंगे तो 15 किलोमीटर दूर त्रिकूट पहाड़ मिलता है, मोहनपुर ब्लॉक में आता है। दुमका की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो उसी समय मोहनपुर ब्लॉक पड़ता है, और वहां पे त्रिकूट हिल जो है वो आपको मिलेगी देवघर डिस्ट्रिक्ट में। अब आप ये समझिए कि इसको त्रिकुटाचल वैसे बोला जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा कुछ लगता है जब बारिश होती है, बहुत ही खूबसूरत है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो भाई यहाँ पे फर्स्ट सोलर एनर्जी हब है ना, जब आप पहाड़ी के ऊपर चले जाएंगे तो क्लियरली विजिबल है। साथ ही साथ मंदिर है यहाँ पे भाई, जब आप ऊपर पहुंचोगे तो तपोनाथ महादेव हनुमान जी का मंदिर है। जो मयूरक्षी रिवर है वो त्रिकूट हिल से ही ओरिजिनेट होती है, जो कि वेस्ट बंगाल में जाती है और हुगली को ये मिलती है, समझ रहे हो? तो जो मतलब एक तीर्थ स्थान है, आप समझ लीजिए त्रिकूट पर्वत जो है 10 किलोमीटर जो देवघर से, वही मतलब यहीं पे इस हिल पे जब आप ऊपर जाएंगे तो मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहानी की, तो देखिए त्रिकूट हिल जो है, जब रावण ने तपस्या की थी, त्रिकूट मतलब यहाँ पे नहीं, लेकिन जब रावण ने तपस्या की थी तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए थे, तो भगवान शिव आए थे। तो भगवान शिव ने रावण से ये बोला था कि मांगो बेटा, क्या मांगते हो? तो अब तो शिव तो भोले हैं, तो शिव ने वरदान दिया। और उसके बाद रावण ने बोला कि ऐसा है सर कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा श्रीलंका। तो भैया वो अब परेशान हो गए, खैर उस समय तो लंका था, कह रहे कि यार मतलब सारे देवी देवता परेशान हो गए, कह रहे ये क्या मतलब, इसने तपस्या के बोल रहा है कि भगवान शिव को लंका ले जाएंगे, दिमाग खराब हो गया सबका। लेकिन भाई अब शिव तो शिव है, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ले चलूंगा तुम्हारे साथ लंका, लेकिन एक शर्त पे, मैं शिवलिंग के फॉर्म में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और अगर तुमने शिवलिंग कहीं पे छोड़ा तो शिवलिंग वहीं पे ही एस्टैब्लिश हो जाएगी और कभी भी उसको तुम उखाड़ नहीं पाओगे। तो भाई रावण जा रहे थे रास्ते में, तो उसके बाद फिर यहाँ पे त्रिकूट हिल पे ही रावण को लगा कि यार बहुत थक गया हूं मैं, क्योंकि शिवलिंग बहुत भारी था, तो वो गिरे मतलब यहाँ पे लैंड किए। तो यहाँ पे त्रिकूट हिल पे एक जगह, इसको रावण हेलीपैड भी बोला जाता है, लेकिन वो जो शिवलिंग इतना भारी था कि रावण यहीं रख गया है ना, और मतलब यहीं पे ही वो आप समझिए कि स्थापित हुआ। और इसीलिए देवघर का जो शिवलिंग है उसको रावणेश्वर शिवलिंग भी बोला जाता है, रावण का शिवलिंग, ठीक है, ये चीज है। और अभी अगर त्रिकूट हिल की बात करें तो यहाँ पे 3 पीक्स आपको मिलेंगी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। हालांकि इसमें से खाली एक ही पीक जो है, दैट इज ओपन फॉर टूरिस्ट। तो देवघर के बारे में ये कहानी थी। तो अब दोस्तों हम हादसे की बात करते हैं, ऐसा क्या हुआ जो देवघर में हादसा हुआ। पहले तो आप समझ ही गए कि पिछले दो दिनों से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हालांकि संडे को ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे की वजह से थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि देखिए ऊंचाई बहुत ज्यादा है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, मुश्किल, आपने देखा ना वीडियो में, और इसमें महिला भी भाई जमीन पे गिर गई, क्या कर सकते हैं, हो जाते हैं हादसे। लेकिन बहुत दुखद था ये, और उसने वहीं पे ही दम तोड़ दिया। MI-17 हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स का है, उसको उसकी यहाँ पे जो है वो सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया भाई, सैकड़ों श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि पैसे कमाने के चक्कर में भर लो और भीड़ भी एक तो बहुत ज्यादा होती है, तो एक साथ कई ट्रॉलियां जो हैं
वो श्रद्धालुओं के साथ रवाना कर दी, बहुत सारे। अब भाई ट्रॉली का भी एक लोड होता है, एकदम से रोपवे के केबल का लोड बढ़ गया और रोलर टूट गया। चश्मदीदों के मुताबिक जो बता रहे हैं कि रोलर टूटते ही तीन ट्रॉलियां जो है वो पहाड़ से टकरा गई। भाई समझे ना कि वो भाई रोलर टूटा बहुत तेज तो ट्रॉली तो झूल जाएगी ना बीच में, और कुछ ट्रॉलियां जो है वो पहाड़ से टकरा गई और नीचे जा गिरी फिर। और इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से हुआ कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, कई श्रद्धालुओं की ट्रॉलियां तो जमीन पर गिर चुकी थी, ये चीज है। और कुछ ट्रॉलियां जो है वो दो पहाड़ों के बीच में फंस गई, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ियां, नीचे खाई, और बीच में वो लोग फंसे हुए हैं जो रविवार को ट्रॉलियों में सवार हुए थे। 25,000 फीट की ऊंचाई पर है जो पहाड़ है ना, बहुत ऊपर है, इतनी ऊंचाई पे लोग फंसे हुए थे। तो फिर एनडीआरएफ की टीम आई और उसके बाद फिर इंडियन एयरफोर्स, इन सब ने हमें देखते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ना, सरकार फिर हरकत में आई है। 4 बजे ट्रॉली कारों के आपस में टकराने के कारण ये जो खबरें आ रही थी, मतलब 4 बजे होता शाम को, तो इसमें फिर सरकार जो हरकत में आई और बोला कि भाई इसकी तो अब जांच करवाई जाएगी कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने बोला कि उच्च स्तरीय जांच की घोषणा मतलब उन्होंने कर दी और बोला कि देखेंगे किसने किया ये, और जिसने भी किया कड़ी कार्रवाई करेंगे हम, उसके ऊपर छोड़ेंगे तो नहीं। टूरिज्म डायरेक्टर सिन्हा ने यह बताया है कि रोपवे जो है वो दामोदर रोपवे एंड फ्राइन लिमिटेड चला रहा था। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट था 2014 से 2019 तक, लेकिन कोविड के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया गया। कोलकाता बेस्ड कंपनी थी। अब आप ये समझिए कि रिन्यू नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बावजूद आप चला रहे हो, है ना। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना होने के कारण देख रेख कौन करेगा? तो इसीलिए ये जो इंक्वायरी है ये बैठा दी गई है। एग्जैक्ट कॉज क्या था एक्सीडेंट का, इतने लोगों की जाने जो हैं वो आप समझिए कि मतलब यहाँ पे खतरे में आ गई भाई, ना पानी ना खाना, बड़ा मुश्किल था ये, बहुत ही ज्यादा। आप समझिए कि सैलानियों के साथ साथ एक जवान भी इसमें मतलब फंस गया था यहाँ पे, ये भी चीज है। एक जवान भी ट्रॉली में फंस गया था और उसे भी हालांकि अभी तो बचा लिया गया है, लेकिन शाम को जब रेस्क्यू ऑपरेशन को रुका गया तब 20 नंबर ट्रॉली में 5 लोगों के साथ एक बच्चा, 19 नंबर ट्रॉली में 2 लोग, 7 नंबर ट्रॉली में भी 2 और 6 नंबर की ट्रॉली में 5 लोग फंसे थे। तो बहुत सारी टीमें जो है इसमें, ITBP, इंडियन एयरफोर्स, NDRF और स्थानीय प्रशासन, सबको शामिल था, और फाइनली ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हुआ। लेकिन वही चीज है कि इसमें कुछ हादसे भी हुए हैं, 3 लोगों की मौत भी हुई है। बहुत ही ये क्या बताएं कि ये बहुत ही एक जो हादसा था ये बड़ा दुखद था। सरकार को ये समझना पड़ेगा भाई, ये सब हम लोग तो बस भगवान भरोसे छोड़ देते, चल रहा है तो चल रहा है, फिर जब हादसा हो जाता तो ऐसे ही रोते हैं। तो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। हमारा मोटिवेशन कोर्स दोस्तों जरूर लीजिएगा, 20+ लेक्चर्स हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, सिर्फ 200 रुपये में निकाले, लाइव लेक्चर्स होंगे। और हमारे जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया उसको भी आप जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।